हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल होम एंड बाय होम मेकर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कुरकुरे मुरमुरे बॉल्स, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं। खाने से मन प्रसन्न हो जाता है। चार कटोरी मुरमुरे को हम मिक्सी में महीन पीस लेंगे। वजन से देखा जाए तो मुरमुरा 200 ग्राम है। एक बड़ी आलू क्यूब में काट लिए हैं, दो हरी मिर्च, थोड़े से अदरक और 5-6 लहसुन की कलियां। इसको मिक्सी में डाल के महीन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम अपने पेस्ट में स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। एक प्याज को महीन काट लिया है, उसको डाल लेंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पे सब्जी मसाला यूज कर रहे हैं, खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच। 1 नींबू का रस निकाल लिया है, उसको डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें हम बेसन को डाल देंगे। 1 टेबल स्पून जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें अपने मुरमुरे के पाउडर को डाल देंगे। आधा पाउडर डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसमें हम खाने वाले चम्मच से 2 चम्मच ऑयल मिला देंगे। फिर इसको हम अच्छे से मिला के 5 मिनट के लिए रख देंगे सेक होने के लिए। पाँच मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, हमारे मुरमुरे का डो सॉफ्ट हो गया, एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसमें हाथों में चिकना लगा के इसकी छोटी छोटी लोई लेके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स को हम बचे हुए मुरमुरे में इस तरह से रैप कर देंगे। इस तरह से हमारे बॉल्स रेडी हो गए। मुरमुरे बॉल्स बनके रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हम डीप फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें अपने मुरमुरे बॉल्स डाल देंगे। उतने ही डालेंगे एक बार में, जितने कि अच्छे से आ जाएं, एक दूसरे में सटे ना। नहीं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि टूटने का भी डर होता है। मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे चलाते हुए इसे हल्के हल्के हाथों से हल्का बादामी हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। और जब भी इसका कलर चेंज होकर बादामी दिखने लगे, देखिए इस तरह, तो इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम अपने बॉल्स निकाल लेंगे। मुरमुरे बॉल्स बनके हमारे रेडी हो गए हैं। आप इसे अपने घर में ट्राई करें। हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको यह कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।